हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज है रमज़ान का जुमा, आप सभी को जुमा मुबारक। वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल सदफ नाज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं इधर, टाइम कितना हो रहा है, 11:15। मैं उठ चुकी थी 10 बजे। 10 बजे उठकर पापा को और बच्चे को नाश्ता वास्ता दे दी, पराठा बनाई, आमलेट बनाई। पापा आमलेट पराठा खाएं, बेटी मेरी चाय पराठा खाए, मेरा बेटा बिरयानी खाया रात का। तो और पराठा रखा ही हुआ है, बाकी और भी बच्चों को भूख लगेगा दिन में तो खा सकते हैं। चावल आज नहीं बनाऊंगी, मैं चावल बनाती हूँ और सुबह बच जाता है। गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है कॉर्नर में अंदर के साइड में दाना छोटा सा निकल गया है, यहाँ पर दर्द दे रहा है, गड़े जैसा रहा है, यहाँ पर हल्का सा सूज गया। इस साइड से आई कर रहे हैं ना, तो सूजन जैसा हो रहा है और दर्द दे रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। तो देख सकते हैं, बेडशीट नहीं करूँगी क्योंकि मैं परसों चेंज करी थी बेडशीट को और ये सब ओढ़ना वगैरह, तो इसको सरिया दूँगी और झटकार दूँगी, तो इसको और पोछा लगाऊँगी। पोछा नहीं लगाई हूँ अभी। एक देख सकते हैं, रात में यहाँ पास बहुत मच्छर काटा था हॉल में, तो अगरबत्ती जलाई थी। और इधर कूलर में पानी यहाँ से टपकता है, यहाँ पर से ना पानी ओवर ही करके टपक रहा था। यहाँ पर पेपर डाली मैं, पेपर डालने से शायद नहीं होगा, तो नहीं, पेपर डाली मैं, 2-3 दिन से परेशान थी मैं, पेपर डाली हूँ तो यहाँ पर से पानी अंदर ही की साइड जा रहा है, इधर नहीं आ पा रहा है। तो इधर बाल्टी भी लगा के रखी, इधर कपड़ा भी रखी हूँ, बहुत परेशानी है। बाल्टी में पानी टपक रहा था और जो भी फालतू इधर उधर टपक रहा था तो ये एग्जॉर्ब कर रहा था पानी को। और इधर तो है ही वायर छोटा, तो इधर लगाई हूँ बड़ा करके। बाकी ये सब कपड़ा वपड़ा को सरियाऊँगी मैं अभी, बिस्तर से ठीक करूँगी और पोछा लगाऊँगी। ये यहाँ भी मैं नहीं लाऊँगी। कब? उस दिन तो मुँह हाथ धोया था ना, उस दिन तो मैं ही नहलाई हूँ। रगड़ के कैसे और जल्दी कैसे नहलाते हैं, देखा था मेरे को? मुँह हाथ धोए थे ना, देख लो, उससे जल्दी नहलाते हैं। दो बार मुँह में साबुन लगाता और बदन को पूरा दो बार रगड़ता, इसलिए बोल रही हूँ मैं नहा लेता, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम भी क्यों लगता है? मुँह दो बार धोने के लिए मेरे को तो टाइम नहीं लगता, मैं नहलाती हूँ तो टाइम लगता है तेरे को? आएगा, अपने से नहाने का बहुत शौक है। लेकिन इसको यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, रखी फर्स्ट रोज़ा रखा था तो उसको ये हार बनवा के पहनाए थे, तो वो अभी तक रखा हुआ है फर्स्ट रोज़ा का। बोलता और भी रोज़ा रखेंगे, मेरे में होंठ सूख गया है। आज है 25 रोज़ा शायद, हाँ शायद, क्या 25 रोज़ा है, जुमा है। आप सभी को जुमा मुबारक गाइस। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम रहते ही काम करूँगी तो फिर नमाज़ वमाज पढ़ पाऊँगी। क्योंकि मैं ऊपर में भी पोछा लगाऊँगी, इन लोगों को नहलाना है, और नीचे में भी झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। नीचे का भी मैं कोई साफ़ सफाई नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे पूरा काम साफ़ सफाई का देखना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी। और बाकी ये सब जो गेट वगैरह है, ये सब को भी पूरा साफ़ करना है, क्योंकि डस्ट डस्ट थोड़ा जमता है गेट ऊपर, तो थोड़ा सा डस्टिंग डस्टिंग हो रहा है गेट, तो इसको भी आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी। सोच रही हूँ रात तक या कल मैं पूरा क्लीन कर दूँ गेट ऊपर का, नीचे का, सब जगह का, तो थोड़ा सा क्लीन होगा ईद में। और सीढ़ी बाहर का रास्ता भी धोना था, लेकिन आज पापा मोटर नहीं चला पाए, मैं वो सुबह में उठ नहीं पाई, क्योंकि बाबू को स्कूल भेजती हूँ तभी मैं उठती हूँ, मोटर चला के टंकी भर के उसके बाद सोती हूँ। तो नहीं, स्कूल जा रहा है तो अभी उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे को नींद नींद बहुत लग रहा था तो मैं अपना सो गई, उठ नहीं पाई। 10 बजे उठी, सबको नाश्ता वास्ता दी हूँ। तो पानी को बचा बचा कर खर्च करना है, कम पानी में पूरा काम करना। और रास्ता जो धोना था सीढ़ी उड़ी, उसको आज नहीं धोएंगे, कल धो देंगे, क्योंकि 3-4 दिन पर मैं धो ही देती हूँ, हफ्ते में 2 बार धो लेती हूँ सीढ़ी रास्ता, शायद कभी नागा होता होगा, लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि साफ़ सुथरा घर को रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ मैं, पोछा ओछा लगाती हूँ। तो गाय से इधर देख सकते हैं, पूरा बिस्तर से अच्छे से मैं झटकार चुकी हूँ, इधर ओढ़ना को सरिया के रख दी हूँ, अब इधर मैं पोछा लगा लूँगी। ये सब भी थोड़ा डस्टिंग जैसा हो रहा, डस्ट डस्ट थोड़ा पूरा, खिड़की लगा लेंगे इधर का, इधर का गर्मी के टाइम में खिड़की लगा देते हैं, ताकि इधर से गर्म गर्म धूप का हवा आता है तो पूरा हीट कर देता है रूम को। ऐसे भी ऊपर के साइड में गर्मी रहता ही है, तो धूप का अक्स आता है पूरा, तो
गर्म हो जाता है रूम, इसलिए मैं सुबह में खिड़की बंद कर देती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ तो अभी लेट हो गया। तो इधर देख सकते हो मैं पोछा लगाऊंगी, हाथ से ही पोछा लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। पोछा लगाने वाला बकेट है लेकिन उससे बहुत कम लगाती हूँ मैं, जब ज़्यादा सामान उमान आगे पीछे कुछ नहीं होता है अच्छे से तभी मैं करती हूँ। तो चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ पहले। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नहा धोवा कर कुरान पढ़कर नमाज वमाज पढ़ चुकी, अभी जस्ट नमाज पढ़ी हूँ। अभी 2:18 हो रहा है, 2:20, 1:30 बजे मैं बैठी थी, कुरान वन पढ़ ली, नमाज वमाज पढ़ ली और सब साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब कर ली। तो अब जाऊँगी मैं नीचे, बच्चे लोगों को खाना पीना खिला देती हूँ। बाबू तो अभी नहीं आया, मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने गया है तो वो भी आएगा नमाज़ पढ़कर, तो उसको भी खाना वाना खिलाएंगे। और बेबी नीचे है इशरा, तो उसको भी नीचे जाते हैं खाना जब तक उसको खिला देते हैं। और मैं ऊपर में कुछ काम करूँगी, थोड़ा सा सिलाई बाकी है, किसी का दूसरे का सिलाई करना है सूट, इसलिए कटिंग करके रात में रख दिए थे। तो अभी जा रही हूँ मैं, खाना वाना बच्चे लोग को खिला देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ सिल लेने का। इधर आई भी मेरा दर्द दे रहा है इसलिए कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, बस पर से रोजे भी है। तो ठीक है गाइस चलते हैं फिर, बच्चे को खाना वाना खिला देते हैं। रोटी बना चुकी थी मैं दिन में ज़्यादा ही, बाबू तो बिरयानी खाया था उसका हिस्सा रोटी रखा हुआ, तो दोनों को खिला देंगे रोटी। देखो, हम का मैचिंग, मैचिंग। मम्मी का और बेबी का मैचिंग मैचिंग, मैचिंग, मैचिंग। मम्मी का है सूट पैंट भी मैचिंग मैचिंग, कुर्ती भी मैचिंग मैचिंग, भी मैचिंग मैचिंग। अस्सलाम करो गाइस को, अस्सलाम वालेकुम गाइस, जुमा मुबारक, रमजान का जुमा है, रमजान का जुमा मुबारक। उंगी लगा लगा के, उंगी लगा लगा के तो पढ़ते हैं। नहीं रहने दो उसको, दिखा रही है कि मम्मी और बेबी एक जैसा पहने तो देख सकते हैं, मैं भी उसी की जैसा पहनूं। मैं ये देखो गाइस, मेरा पूरी बनाकर फैब्रिक बचा, ये देखो गाइस मेरा मेहंदी और का बनाई हूं, ये देखो गाइस मेरा मेहंदी, ये देखो गाइस मेरा मेहंदी। दुपट्टा वाइट नहीं हो रही हूँ मैं, क्योंकि दुपट्टा ऐसा कॉटन में वाइट नहीं है, है लेकिन लगता है ऊपर में मेरा एक अलमारी रखा हुआ है ना, तो ऊपर वाले फ्लोर पे है, उसमें लगता है कॉटन का दुपट्टा, तो जॉर्जेट फैब्रिक का दुपट्टा है वाइट। तो अब नमाज वमाज पढ़ी तो उस दुपट्टे को मैं ओढ़ूंगी। मोबाइल हर टाइम मोबाइल से ही बात करना है। गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 या 6:45 हो रहा है, हाँ 5:30 हो रहा है, 5:31, और इधर मैं अंडा बॉयल कर, ये अंडा बॉयल करूँ, इसको हाफ ऑफ पार्ट में करूँगी, बीस से आधा आधा कट कर दूँगी। और इधर बेसन को घोल चुकी हूँ, इसमें थोड़ा सा गोल मिर्च का पाउडर, लहसुन, हल्दी, मिर्च सब अंदाज से थोड़ा थोड़ा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के इसको, और खाने वाला सोडा 1 चुटकी, बिल्कुल इसको फेंट चुके हैं, एक बार बनाने के टाइम और फेंटेंगे फिर इसको धो देंगे। और यहाँ आलू को बारीक बारीक काट दी फिंगर चिप जैसा, ये मेरी बेटी खाने के लिए बहुत दिन से बोल रही थी, तो इसको आज मैं याद से कट कर दी हूँ कि मेरी बेटी खाएगी। और ये गुदगुला का आटा है, एक दिन बनाए थे तो उसका बचा हुआ, तो यह ख़राब नहीं हुआ अच्छा है, तो इसको भी बना देंगे, ढक्कन टूट गया। और ये आलू समोसा बनाए थे उसका भी आलू बचा हुआ है, तो ये अंडा पकौड़ा बनाएंगे, तो हाफ अंडा पकौड़ा हाफ आलू करके इसको फ्राई करेंगे, और चटनी बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे बट, और बाकी फ्रूट व्रूट है, शरबत वरबत बनेगा, ये दो लोग रोज़ा हैं, पापा तो अभी रोज़ा नहीं रख रहे हैं, 22 तक पापा रोज़ा रखें, फिर तबियत थोड़ा ठीक नहीं रहने लगा तो अब नहीं रख रहे हैं, दुकान में भी रहना रहता पापा को, इसलिए अभी नहीं रख रहे हैं, तो मैं और मीना ना दें बस, लेकिन पापा के लिए भेजेंगे दुकान में, थोड़ा सा पापा के लिए भेज देंगे, खा लेंगे, और बच्चे लोग हैं
इसलिए एक ही आइटम बनाते हैं, क्योंकि हम लोग भी नहीं खाते हैं, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, शरबत वरबत पी लेते हैं, और फिर चाय वाय भी पीना रहता है, चाय बिस्किट या कुछ भी खाने का रहा तो फिर एक्स्ट्रा सामान भी और भी खा लेते हैं। गाइस देख सकते हैं आलू को पूरा अंडे में इस तरह के मैं से कर चुकी हूँ, और दो अंडा बाकी रह गया, दो अंडे में नहीं कर पाई, आलू घट गया। और यहाँ ऑयल चढ़ा दी हूँ गर्म करने, अब बनाना शुरू करेंगे। शरबत बना लिए, यहाँ देखिए चटनी है, चटनी बना चुकी हूँ। शरबत ये देखिए गाइस, शरबत भी बना चुकी हूँ, बस अब इसको बनाना बाकी है, और लास्ट में ये आलू को कट करी इसको भी फ्राई कर दूंगी। किस तरह है जहाँ जा रहा है वहाँ पसंद जा रहा है, ये रास्ते पे एकदम आएगा तो पूछा भैया आएगा ना तो वो शॉक हो जाएगा, ये साले तू क्या कर रहा है, उड़ जाएगा जब तक से रास्ता है ना ये। अरे झोला में पानी बोतल खा गया नहीं तू? पानी है नहीं ठंडा घर में। नहीं करो ना बाबू, आराम से आराम से, गेट को पूरा अच्छे से बराबर करो, उठाओगे कुछ से कुछ से अंदर चल भेज देंगे बाबू, यही सब हरकत करोगी तुम तो, ईंटा पत्थर। गाइस हम लोग रात का खाना खाकर बाहर निकले हैं टहलने। हाँ। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो इधर ही झगड़ा है, इधर ही झगड़ा है, करते हैं झगड़ा लड़ाई। आइए कुत्ता दिखाती हूँ मैं आपको, इसे मिट्टी में रहे, ये देखो ये पत्थर नहीं मारो, बैठने दो सही, हम चले जाएंगे अंदर घर में, मना करने के बाद भी जो नहीं सुना, टहलने के लिए मैं लेकर आई हूँ। जाओ झूलो, क्यों फालतू की बातें, ढीला पैंट पहने हुआ है उसको, बस चढ़ाए ले रहा है ना, ये पैंट पहनने की क्या जरूरत है, ढीला है तो झूलो झूला झूलो। गाइस हम लोग इधर आए हैं टहलने, हम लोग के घर के सामने है वो जो है पेड़, वो जो गली है वो हमारा गली है घर का, वो जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है उसके बगल में यह वाला जो गली है, और इसके सामने ये मैदान है ग्राउंड। सो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आग जला रहे हैं लोग, पता नहीं किस चीज़ का आग जला रहे हैं।